स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से मेरी एक और नई वीडियो में। भाई आज यहाँ पे मैं फिर से आ चुका हूँ भाई जिमनी के पास, क्योंकि मुझे खींच लाई है, क्योंकि यहाँ पे आपको जिमनी में मिल रहा है भाई भर भर के डिस्काउंट। मैं नहीं मानता भाई, लोग कहते थे थोड़ी महंगी हो गई है ना, तो उनके लिए काफी सस्ती हो गई है, क्योंकि इसमें आपको काफी बेहतरीन डिस्काउंट्स मिलने वाले हैं। जो वेरिएंट हमारे सामने खड़ा है भाई, ये जिमनी का टॉप एंड वेरिएंट खड़ा है, यानी अल्फा वेरिएंट ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में यहाँ पे आपको ये देखने के लिए मिल जा रहा है। तो डिटेल से बात होगी कि भाई यहाँ पे आपको इस गाड़ी में क्या क्या फीचर्स देखने के लिए मिल जा रहे हैं, क्या प्राइस रेंज यहाँ पे आपको 2024 की देखने के लिए मिलती है, और भाई सबसे बड़ी बात कि डिस्काउंट यहाँ पे आपको कितना देखने के लिए मिल जाता है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। तो वीडियो को पूरा एंड तक का जरूर देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट और शेयर तो जरूर कर दीजिएगा। और भाई चैनल में आ गए हो ना तो भाई सब्सक्राइब भी कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ऐसे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। तो बात करते हैं भाई सबसे पहले गाड़ी की एक्स शोरूम वैल्यू से। यहाँ पे यह आपको 14,95,000 रुपए का एक्स शोरूम देखने के लिए मिलती है। ऑन रोड आते ये गाड़ी आपको 17,37,000 रुपए के आसपास ऑन रोड पड़ती है। वेरिएंट जैसे मैं आपको बता चुका हूँ भाई, ये टॉप एंड वेरिएंट हमारे सामने खड़ा है डुअल टोन में। ये इसका ग्रीन कलर है जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। मुझे इसमें केवल दो कलर ज्यादा अच्छे लगते हैं, एक ये ग्रीन, एक है इसका व्हाइट कलर, जिसमें गाड़ी का एक्सपोजर काफी अच्छा खासा आता है। ब्लैक के साथ ट्यूनिंग काफी अच्छी खासी निकल के जाती है, जो गाड़ी के लुक्स को और इंक्रीज करती है और इनहेंस करती है। मैंने आपको बोला था डिस्काउंट ना, डिस्काउंट में मैं आपको बता दूं भाई, जितने की आपको एक्स शोरूम पड़ रही है ना, उससे कम में आपको ऑन रोड देखने के लिए मिल जाएगी। ऑलमोस्ट 2.5 लाख रुपए का डिस्काउंट यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है इस जिमनी में। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। फ्रंट से बात करेंगे तो भाई ग्रिल पोर्शन आपको अपनी तरफ काफी अट्रैक्ट करता है और काफी एग्रेसिव यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाते हैं एलईडी में, और भाई ग्रिल पोर्शन आपको पूरा क्रोमिंग में देखने के लिए मिलता है, जो गाड़ी के लुक्स को इनहेंस करता है। ऊपर से आपको यहाँ पे देखेंगे तो बगल में इंडिकेटर देखने के लिए मिल जाते हैं, ये ऑरेंज कलर के। ये थोड़ा सा ओल्ड स्कूल वाला फैशन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। नीचे से अगर आप देखेंगे तो फॉग लैंप हैलोजन में देखने के लिए मिल जाते हैं। ऊपर से बात करेंगे हुड में कर्टेन क्रीज यहाँ पे आपको थोड़ी सी देखने के लिए मिलती है, और वहाँ पे आपको वॉशर टिप्स भी काले काले देख रहे हैं, ये वाले ये वॉशर टिप्स हैं जो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। और एक और चीज भाई, जो बड़ी से बड़ी महंगी महंगी गाड़ियों में नहीं देखने के लिए मिलता है, यहाँ पे आपको मिल जाते हैं भाई ये जेड वॉशर्स हेडलैम्प को साफ करने के लिए। तो ये काफी अच्छा खासा फीचर यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है, जो थार में भी नहीं मिलता। मुझे एक चीज समझ में नहीं आती कि भाई इस गाड़ी को आप थार से कंपेयर क्यों करते हैं यार। थार एक अलग है, उसका इंजन भाई आपको 2200 सीसी का इंजन देखने के लिए मिलता है, और 1.5 लीटर की भी बात करेंगे तो वहाँ पे टॉर्क कन्वर्टर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। बट ये जो गाड़ी है ना, ये प्रैक्टिकल गाड़ी आपको देखने के लिए मिल जाती है। थार में आप अपनी फैमिली को लेके नहीं घूम सकते, लेकिन यहाँ पे जिमनी में आप अपनी फैमिली को भी लेके घूम सकते हैं, अपना लगेज भी लेके जा सकते हैं। थार केवल है फुकरी के लिए, गेड़ी मारने के लिए, इधर उधर घूमने के लिए। दो दोस्तों की गाड़ी उसे जरूर कह सकते हैं, कि भाई पीछे बैठने वाले को तो भाई जब उन्हें उतरना है तो आगे वाले को पहले उतरना पड़ेगा, मुझे बड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है। और दूसरी चीज भाई, जब आप पीछे बैठते ना थार में, एक अलग सी भरभराहट रहती है, क्योंकि भाई वहाँ पे विंडो पूरे क्लोज है, आपको खोलने के लिए कुछ नहीं मिलता। और वहाँ पे जिमनी की अगर मैं बात करूँ तो ये बहुत ही प्रैक्टिकल हो जाती है। 5 डोर यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, एवरी पैसेंजर्स के लिए विंडो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाती है, ये काफी अच्छा खासा मुझे लगता है। और जैसा अगर हम इसके साइड से चले, यहाँ से चलते हैं, यहाँ से थोड़ा सा जगह कम है, यहाँ से आएगा पूरा लुक। ये देखे भाई, आ गई देसी जी वैगन, लग रही है पूरी की पूरी, अगर साइड से देखते हो तो पूरी की पूरी जी वैगन लगती है। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो जाए ना, गाड़ी में लग जाएंगे चार चार। अब भाई जैसे आप ऑफ रोडिंग गाड़ी खरीद रहे हैं ना, तो यहाँ पे आप इसके डायमेंशन मत देखिए, आप यहाँ पे देखिए इसके अप्रोच एंगल, डिपार्चर एंगल, मिड ओवर एंगल, वो कितना आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है, वो मिलता है कुछ इस तरीके से। यहाँ पे ये देखिए आपको दिख रहा होगा, आप इसे देख लीजिए। और हाँ भाई, मैंने इसका टेस्ट ड्राइव रिव्यू भी करा है, अगर आपने वो रिव्यू नहीं देखा है, आप वो देखना चाहते हैं, तो आप भाई मेरे आई बटन में जाके वहाँ पे इसका वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं, टेस्ट ड्राइव रिव्यू का। अब भाई ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो भाई वो तो अच्छा खासा मिलता है, 210 mm का यहाँ पे आपको ग्राउंड क्लियरेंस देखने के लिए मिल जाएगा। व्हील बेस भी आपको यहाँ पे भाई 2590 mm का देखने के लिए मिलता है। साइड से यहाँ पे भी आपको जो इंडिकेटर्स मिलते हैं वो ओआवीम में तो नहीं मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको ओल्ड स्कूल वाले देखने के लिए मिल जाएंगे। भाई यहाँ पे आपको ये ग्लॉसी ब्लैक में देखने के लिए मिलता है ओआवीएम। रूफ भी आपको यहाँ पे पूरी ब्लैक में देखने के लिए मिलेगी। जो ओआवीएम आते हैं ये आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और फोल्डेबल दोनों ऑप्शन मिल जाता है टॉप एंड वेरिएंट में। टायर्स की अगर मैं बात करूँ तो भाई एक यही चीज की मुझे यहाँ पे थोड़ी सी कमी लगी, मिलते तो अलॉय हैं, लेकिन जो टायर साइज यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है ना, वो 195/80R15 का मिलता है भाई। ये अगर आपको यहाँ पे 16 या 17 इंच का भी मिलता ना, तो भाई मजा आ जाता, क्या कहने थे, गाड़ी के लुक सी और निखर आता। बाकी साइड में आपको ये देखे क्लैडिंग वगैरह यानी फेंडर में देखने के लिए मिल जाती है, जो गाड़ी को और मस्कुलर यहाँ पे बनाती है। यहाँ पे आपको स्मार्ट की एंट्री भी मिल जाएगी, की होल भी मिल जाता है ओपनिंग के लिए, और डोर हैंडल्स जो मिलते हैं फ्लैप में देखने के लिए मिलते हैं। बी प्लस तो वही बॉडी कलर ही देखने के लिए मिलते हैं। रियर टायर्स में यहाँ पे आपको ड्रम ब्रेक्स ही देखने के लिए मिलेंगे भाई, फ्रंट में डिस्क ब्रेक आते हैं,
ड्राइवर साइड आपको फ्यूल टैंक का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, जिसकी कैपेसिटी की अगर मैं बात करूं तो 40 लीटर की आपको देखने के लिए मिलती है। और भाई ये देखिए, पीछे से भी आपको एक वाटर ग्लास दे रखा है जो लुक्स को और इंक्रीज करता है। यहाँ पे भाई ये साइड में आपको पोल एंटीना देखने के लिए मिल जाएगा। पीछे से बात करेंगे तो भाई गाड़ी आपको कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलती है। यहाँ पे आपको टायर देखने के लिए मिल जाएगा, सुजुकी का लोगो यहाँ पे सेंटर में देखने के लिए मिलता है। नेक्सा की बैजिंग है, ऑल ग्रिप की बैजिंग यहाँ पे मिल जाएगी आपको। यहाँ पे भाई आपको देखिए वॉशर है, हाइमोन स्टॉप लाइट है, डिफॉगर है, वाइपर भी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पे भी आपको स्मार्ट की एंट्री का बटन मिल जा रहा है भाई रियर डोर में, और जिमनी की बैजिंग यहाँ पे आ जाती है। ये फ्लैप वाला डोर हैंडल देखने के लिए मिलता है। ब्रेक लाइट्स की बात करेंगे तो भाई हेलोजन में देखने के लिए मिलती है। ये रिवर्स लैंप है, ये इंडिकेटर है, ये आपकी ब्रेक लाइट हो गई। पार्किंग सेंसर्स की बात करेंगे तो भाई चार पॉइंट्स में पार्किंग सेंसर्स यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलते हैं। बूट को ओपन करते हैं तो भाई ये चीज मुझे सबसे अच्छी लगती है इसकी, कि यहाँ पे आपको कम से कम बूट स्पेस तो देखने के लिए मिलता है 208 लीटर का, जो थार में बहुत ही मिसिंग है। यहाँ पे आपको बूट लैंप देखने के लिए मिल जाएगा, ये आपको चार्जिंग सॉकेट भी मिल जाती है। बाकी यहाँ इसके अंदर कुछ मिलता है क्या, ये देखिए टूल किट वगैरह यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलती है। बाकी जो सीट्स हैं रियर की, ये आपको 50-50 फोल्डेबल यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है, यानी 50-50 रेशियो का पूरा है। भाई बूट में इतने, बूट को करता हूँ बंद। क्या बात है भाई, खोलने में तो बड़ा हैवी लग रहा। स्टेपनी आपकी ये है, और अगर को ड्राइवर साइड आते हैं सेम वही चीज है, लेकिन को ड्राइवर साइड भी आपको यहाँ पे भाई स्मार्ट की एंट्री का बटन देखने के लिए मिल जाता है। चलिए चलते हैं गाड़ी के अंदर, अंदर बैठ के देखते हैं और क्या क्या चीजें यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलती हैं, क्या फीचर्स यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो भाई जैसे ही दरवाजा खोलते हैं तो पूरा ब्लैकिश टोन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ऑफ रोडर गाड़ी है तो पूरा आपको एकदम थीम भी रफ रफ देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ पे डोर हैंडल यहाँ पे आपको क्रोम में देखने के लिए मिल जाएगा, एक ग्रैबिंग हैंडल मिल जाएगा, मैप पॉकेट मिल जाती है भाई, बॉटल होल्डर स्पेस यहाँ पे नहीं मिलेगा, और यहाँ पे आपको स्पीकर्स की प्लेसिंग देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पे चेकआउट करेंगे तो भाई ये आपको जो सीट्स आती हैं ये फैब्रिक में देखने के लिए मिलती हैं। सीट हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन यहाँ पे भाई इसमें देखने के लिए नहीं मिलता है यार, सीट हाइडेशन का ऑप्शन नहीं आता भाई। बाकी यहाँ पे से आप गाड़ी का फ्यूल टैंक का लिड ओपन कर सकते हैं, और यहाँ पे से आप गाड़ी का ये ओवीएम को इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और फोल्डेबल कर सकते हैं। इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन है यहाँ पे, आपको देखिए आइडल स्टार्ट स्टॉप का बटन आएगा। यहाँ पे आपको भाई ये जेड वॉशर का बटन देखने के लिए मिलता है, और यहाँ पे आपको हेडलैम्प लेवलर देखने के लिए मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे आपको एसी वेंट्स हैं। चलिए गाड़ी के अंदर चलते हैं, बैठ के देखते हैं यार बैठ के कैसा फील होता है। सीट हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन तो नहीं है, पर देखते हैं व्यू कैसा आता है बैठ के। तो भाई गाड़ी के अंदर मैं आ चुका हूँ, ये देखिए भाई नजारा देख लिया। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टीयरिंग व्हील की, भाई लेदर है स्टीयरिंग व्हील, यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ब्लूटूथ के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, म्यूजिक कंट्रोल्स मिल जाते हैं, क्रूज कंट्रोल भी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। स्टीयरिंग व्हील की बात करेंगे तो भाई टिल्ट एडजस्टमेंट आता है भाई, ये चीज मारुति में मुझे बुरी लगती है यार, बहुत जल्दी झड़ जाता है, तू समझा। बाकी यहाँ पे देखेंगे तो भाई आपको वाइपर के कंट्रोल्स देखने के लिए मिल जाएंगे, और यहाँ पे चेकआउट करेंगे तो आपको हेडलैम्प और इंडिकेटर के कंट्रोल्स देखने के लिए मिलते हैं, जो आपको ऑटो में देखने के लिए मिलेंगे। क्लस्टर आपको भाई कुछ इस तरीके से एनालॉग में देखने के लिए मिलता है, इसे ऑन करते हैं, ये भाई हो गया ऑन। और ये देखो भाई पूरा रेड रेड का आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में क्लस्टर है, बीच में MMID डिस्प्ले है, राइट हैंड साइड में आपको स्पीडोमीटर देखने के लिए मिल जाएगा। अभी तो लो फ्यूल की वार्निंग यहाँ पे दिखा रहा है। बाकी इसको चेंज करने के लिए आप यहाँ से इस तरीके से ओके दीदी, ये यहाँ से आप इस तरीके से इसे चेंज कर सकते हैं। ये ड्राइव टाइम, ट्रिप ए, ट्रिप बी, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको ये दिखा देगा। बाकी अभी पार्किंग मोड में खड़ी है तो पी यहाँ पे लगा है, और यहाँ पे ये देखिए आपको ये जो ये मिल रहा है ना भाई, ये 4-speed टॉप कन्वर्टर यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है। बाकी भाई ये देखिए 9-inch का इंफोटेनमेंट सिस्टम है यहाँ पे, और ये झूं 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 ये हो गई बंद। 9-inch का इंफोटेनमेंट सिस्टम यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जिसमें आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले देखने के लिए मिल जाता है वायरलेसली। प्लस यहाँ पे आपको देखेंगे एसी वेंट्स हैं, और यहाँ पे आउटर में भी इनके क्रोमिंग का इंसर्ट देखने के लिए मिल जाएगा। हैजर्ड लैंप का बटन यहाँ पे है, और ये एसी वेंट्स यहाँ पे आपको मिलते हैं भाई रे राउंड में मिलते हैं। थोड़ा सा मुझे एक स्पोर्टी फील यहाँ पे जरूर आते हैं भाई, देखने में थोड़ा सा फील अच्छा लगता है, ये थोड़ा सा रफ लुक यहाँ पे आपको देता है। बाकी पावर विंडो के स्विच आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, ये आपका हिल डिसेंट कंट्रोल का बटन है, ये आपको ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे आपको प्लेस मिल जाता है कुछ भी स्टफ कैरी करने के लिए, जैसे की यहाँ पे कैरी करी हुई थी इस तरीके से। और की बात करेंगे तो भाई ये सूटकेस वाली की यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलती है। बाकी ये देखिए भाई पी है, आर है, एन है, डी है, टू है, एल है। टू यानी सेकंड गियर में चलेगी गाड़ी, और एल है तो यानी ये लो, यानी गाड़ी भारी चलेगी। और यहाँ पे आपको 4x4 का ऑप्शन मिल जाता है भाई, ये सबसे अच्छी चीज है यहाँ पे। बाकी हैंड ब्रेक का ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे भी आपको पावर विंडो का स्विच आता है, ये रियर के है भाई, और यहाँ से विंडो को आप लॉक कर सकते हैं। फिर ग्लोव बॉक्स की बात करेंगे तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, डिसेंट सा छोटू सा ग्लोव बॉक्स मिल जाता है। यहाँ पे आपको ग्रैबिंग हैंडल मिल जाएगा। एयरबैग्स की बात करेंगे तो 6 एयरबैग्स यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलते हैं, और यहाँ पे आपको देखिए भाई ये एडजस्टेबल मिलता है भाई, ये ऑटोमेटिक क्यों नहीं मिला यहाँ पे, आई आर यू में अच्छा हो जाता भाई, टॉप मॉडल है। और रीडिंग लैंप की बात करेंगे तो ये आपको हेलोजन में मिल जाती है। माइक की प्लेसिंग्स यहाँ पे है, और यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर मिल जा रहा है, और यहाँ पे भी वैनिटी मिरर आपको देखने के लिए मिलता है।
अंडर थाई सपोर्ट की बात करूंगा तो भाई मेरे हिसाब से मेरी हाइट के लिए तो बहुत बढ़िया है, कोई कमी नहीं है। मेरी हाइट जो है वो 5.7 है, तो मेरी हाइट के बंदों के लिए सबसे बढ़िया है। अगर जिनकी हाइट ज्यादा है तो एक बार वो गाड़ी में बैठ के देखें कि उनको कैसा लगता है, कि यहाँ से कंफर्टेबल फील हो रहा है नहीं हो रहा है, या पैर वैर वगैरह तो नहीं लग रहे। वो एक बार गाड़ी में बैठ के देख लेंगे तो उनको फील हो जाएगा। बट मेरी हाइट के हिसाब से जो मेरी हाइट के बंदे उनके लिए तो परफेक्ट गाड़ी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाती है। तो भाई ये तो था कुछ इसका फ्रंट का, चलते हैं इसके रियर सीट्स में देख लेते हैं वहाँ क्या क्या चीजें आपको देखने के लिए मिलती हैं। तो भाई जैसी रियर डोर खोलता हूँ तो सेम वही पैटर्न मिलता है जैसा हमने फ्रंट डोर में देखा था। यहाँ पे आपको क्रोमिंग में डोर हैंडल है भाई, ये बड़ा प्यारा लगता है भाई। पावर विंडो का स्विच है, कितना यूनिक दे रहा है यहाँ पे आपको ये ऐसे ऐसे। और यहाँ पे आप चेकआउट करेंगे तो भाई ये आपको स्पीकर्स की प्लेसिंग मिल जाती है। यहाँ पे आपको ग्रैबिंग हैंडल है, यहाँ पे कोई भी आपको मैप पॉकेट देखने के लिए नहीं मिलेगी। एक चीज और भाई, यहाँ से आपको देखेंगे तो विंडो का कलर अलग दिखेगा, यहाँ से हल्का सा आपको टिंटेड मिलते हैं भाई ये। और यहाँ पे आप अंदर से विजिबिलिटी साफ हो जाती है, ये यूवी कट ग्लास मारुति इसे कहता है। चलिए चलते हैं गाड़ी के अंदर और बैठते हैं। भाई मैं आ चुका हूँ गाड़ी के अंदर, और अगर बात करूँ लेगरूम स्पेस अच्छा खासा है, नीरूम स्पेस अच्छा खासा है। यहाँ पे आपको मैगजीन पॉकेट मिल जाती है और यहाँ पे भी मैगजीन पॉकेट मिलती है। फ्रंट के तो खैर एडजस्टेबल हेडरेस्ट है ही है। यहाँ पे आपको दो कप होल्डर मिल जा रहे हैं, और यहाँ पे तो नहीं दिए गए हैं साइड में, भाई यहीं पे सेंटर में आपको दे रखा है। यहाँ पे बॉटल होल्डर भी कह सकते हो, कप होल्डर भी कह सकते हो। बाकी अगर बात करेंगे यहाँ पे ग्रैबिंग हैंडल है, यहाँ पे भी आपको रीडिंग लैंप का ऑप्शन मिल रहा है हैलोजन में, ये काफी सही चीज दी यहाँ पे। और रियर की बात करेंगे तो भाई ये आपको दो एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, सीट्स रिक्लाइनिंग भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। अब बात करते हैं कंफर्ट की, तो भाई ये देखिए कंफर्ट की अगर बात करूं तो हेडरूम स्पेस अच्छा खासा है। अंडर थाई सपोर्ट की बात करूं तो ठीक ठाक यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है, और रिक्लाइनिंग एंगल भी आपको ठीक ठाक यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। वैसे अगर मैं बात करूं तो चार लोगों के लिए गाड़ी परफेक्ट है, ईच एंड एवरी पर्सन के लिए या पैसेंजर के लिए आपको उसका अलग डोर मिलता है। थार की तरह नहीं कि भाई आप स्टक हो जा रहे हो पीछे ही, कि भाई पहले को ड्राइवर साइड वाला उतरेगा और फिर वो सीट आगे करेगा फिर आप उतरेंगे, तो ऐसा फील नहीं होता। दूसरी चीज भाई, अगर थार में बैठे बैठे पीछे को किसी को उल्टी आ गई ना तो वो कर ही नहीं सकता, वो बंद दरवाजे खिड़की बंद है। यहाँ पे ये चीज अच्छी लगी भाई, ये आपको ऊपर नीचे मिल जाता है, इसलिए मैं जिमनी को प्रैक्टिकल ऑफ रोडर कहता हूँ भाई। इसका मैं थार से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, बट अगर मैं बात करूँ तो थार से काफी सारी चीजें बेटर यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। हाँ भाई, थार एक भौकाल वाली गाड़ी आपको जरूर देखने के लिए मिलती है। तो भाई ये तो था कुछ इसकी रियर सीट्स का, अब बात करते हैं इसकी इंजन में की, देख लेते हैं इंजन में क्या क्या चीजें आपको देखने के लिए मिलती है। ओ भाई यह है कुछ इसका इंजन इस तरीके से। भाई क्या बात है भाई, 1500 सीसी का 4 सिलेंडर K15B इंजन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जिसकी पावर की बात करूँ तो 103 की BHP है। टॉर्क आपको यहाँ पे भाई 134.2 न्यूटन मीटर का देखने के लिए मिलता है भाई। और अगर माइलेज की बात करूँ तो यहाँ पे आपको भाई ये 16.39 KMPL का माइलेज क्लेम कर रही है। बाकी डिपेंड आपकी ड्राइविंग कंडीशन, आप किस तरीके से गाड़ी चलाते हैं। अगर भाई मारुति की गाड़ी है तो माइलेज की तो खैर कोई दिक्कत होगी नहीं। और अगर बात करें भाई ब्रेकिंग सोर की, तो भाई सभी चीज आती है, क्या बात करूँ भाई, ABS, ABD, ब्रेक असिस्ट, ESP, हिल होल्ड कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल, आपका डिफरेंशियल लॉक, EDL वगैरह, मतलब सभी चीजें यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। वारंटी की बात करता हूँ भाई, वारंटी भाई यहाँ पे जो पहले वारंटी मिलती थी ना, अब वो चेंज हो चुकी है। अब आपको यहाँ पे मारुति में 3 साल 1 लाख किलोमीटर की वारंटी देखने के लिए मिलती है, जिसे आप 6 साल 1,60,000 किलोमीटर तक का एक्सटेंड कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे आप चेकआउट करेंगे तो भाई पीछे से इंसुलेशन का वर्क है, नीचे से कोई भी आपको कवरेज देखने के लिए नहीं मिलती है, ना हुड में आपको कोई इंसुलेशन देखने के लिए मिलता है। तो भाई ये तो था कुछ इसका इंजन, अब कर लेते हैं फाइनल वॉक अराउंड। तो दोस्तों हमने बात करी यहाँ पे इस जिमनी की, जो हमारे सामने खड़ी है अल्फा डुअल टोन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन हमारे सामने खड़ा है। एक्चुअल वैल्यू जैसे मैंने आपको बताया 14,95,000 और डिस्काउंट बताया था 2.5 लाख रुपए का। तो भाई मैं आपको एक और चीज बता दूं भाई, 2.5 लाख का डिस्काउंट तो है, लेकिन मैंने आपसे कहा था भाई लोग इसमें भर भर के डिस्काउंट लेके जा रहे हैं, तो आप ये सोचिए कि भाई आप भी इसमें डिस्काउंट पा सकते हैं अच्छा खासा। कहीं ये आपको 3 लाख भी देखने के लिए मिल जाएगा, कहीं आपको ये 3 लाख से कम भी देखने के लिए मिलेगा, बट वो डिपेंड करता है आपके डीलर पे कि वो आपको क्या डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं। तो ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और हाँ भाई, जो मेरे न्यू व्यूवर्स हैं वो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि उनको ऐसे बेहतरीन अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए चलते हैं दोस्तों, फिर मिलते हैं आप सबको नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।